और अब एक और बड़ी खबर, जब से टीएमसी ने लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की है, बीजेपी के अमित मालवीय लगातार ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश में है। वो एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। आज उन्होंने एक और ट्वीट कर बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि ममता बनर्जी बसिरहाट से संदेश खाली के शेख शाहजहां को मैदान में उतारना चाह रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी पर हिंदुओं को अपमानित करने और डराने धमकाने का भी आरोप लगाया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। टीएमसी ने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, लेकिन अब बीजेपी के निशाने पर। यूसुफ पठान बरहामपुर से टीएमसी उम्मीदवार, कीर्ति आजाद दुर्गापुर से टीएमसी उम्मीदवार और शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार। वैसे तो टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट में कुल 42 नाम हैं, जितनी लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल में हैं। लेकिन इन तीन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है और इसकी वजह है टीएमसी का वो स्टैंड जिसको आगे रखकर वो हमेशा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रही है। मुद्दा बाहरी का। ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता हर चुनाव में प्रधानमंत्री को बंगाल के लिए बाहरी बताते रहे हैं और इस चुनाव में भी वो इसी स्टैंड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी अब टीएमसी के इसी स्टैंड पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने टीएमसी पर बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाने का आरोप लगाया है और ममता को उनके स्टैंड की याद दिलाई है। जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला, उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहाँ पे बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहा था, बांग्ला बंगाली को लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉगबाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला, देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं, मोदी बहिरागत है। टीएमसी कभी बंगाल के लोगों का भरोसा किया ही नहीं है। और जो सज्जन अच्छे ऐसे लिखे पढ़े बंगाली लोग उन पर भी नहीं, शाहजहां जैसा चोर डाकू माफियाओं पर भरोसा किया है। आज उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो बंगाल बिहार से झारखंड से क्या बोले उड़ीसा से गुजरात से उनको कैंडिडेट लाना पड़ रहा है, क्या यहाँ जो लोग योग्य नहीं है प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। बाहरी मुद्दे पर बात बढ़ने पर टीएमसी तो अब तक सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीदवारों ने सफाई जरूर दी और बीजेपी के बाहरी वाले मुद्दे को सिरे से नकार दिया। टीएमसी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूं और उनका वॉइस ओवर पार्लियामेंट में लेके जा सकता हूं और उनको हेल्प कर सकता हूं, तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था और मैंने ये डिसाइड किया। बस हर चीज़ बदलती है अच्छे के लिए और मैं अच्छे के लिए यहां पर आया हूं। जो यहां पे लोग हैं वो प्यार करते हैं मुझे और मैं उनको जो उनकी हेल्प कर सकूं उतनी हेल्प करूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि दीदी ने मुझ पर विश्वास किया है। हमारे पूरे तृणमूल की पार्टी जो है वहां के जिला जहां हमको घूमने का अवसर मिला है, उन लोगों ने विश्वास किया है। हम सिर्फ आपके माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि दुर्गापुर के लोग हमें आशीर्वाद दें जिससे उनकी आवाज़ हम पार्लियामेंट में बुलंद कर सकें। बाहरी मुद्दे पर यूसुफ पठान और कीर्ति आजाद ही नहीं, टीएमसी के एक और उम्मीदवार भी बीजेपी के निशाने पर है। कभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा पर बीजेपी फिल्मों में उनके किरदार को लेकर हमलावर है और संदेश खाली मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। तृणमूल के रियल और रियल लाइफ हीरोज में समानता देखिए। एक तरफ है शत्रुघ्न सिन्हा जो उनके रियल हीरो हैं और वो सिनेमा के माध्यम से औरतों का बलात्कार करते हैं सिनेमा में। दूसरे हैं उनकी पार्टी में शाहजहां जैसे लोग जो जमीनी स्तर पर संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं। और ममता बनर्जी जो है कहती है कि वो उनके बेहतरीन लड़के हैं और उनको फंसाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो उनकी लिस्ट आई है उसमें आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो टेंटेड है, जिन पे दाग है और करप्शन के केसेस पेंडिंग है, मगर उसके बावजूद ममता बनर्जी ने महुआ मित्रा जैसी लोगों को टिकट दी है। शत्रुघ्न सिन्हा যখন সন্দেশখালীর মা বোনেরা হাহাকার করে, তাদের লাঞ্ছিত করা হয়, তাদের ধর্ষণ করা হয় শেখ শাহজাহান এবং তার গুন্ডা বাহিনীর দ্বারা। टीएमसी ने अपने सभी 42 उम्मीदवारों का ऐलान कर बंगाल में दूसरे दलों से बढ़त तो बना ली है, लेकिन उसकी चुनौतियां भी बढ़ने लगी हैं। बंगाल में इंडी गठबंधन के नाकाम होने से कांग्रेस पहले से ही टीएमसी पर आग बबूला है। ऐसे में अब बाहरी मुद्दे पर भी उसे बीजेपी से बड़ी चुनौती मिल रही है। साथ ही टिकट कटने से नाराज नेताओं की बगावत से भी टीएमसी के सिरदर्द में इजाफा तय है।